हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आर्यन डिटेक। मैं नाम विशेष आर्यन डे। तो भाई आज हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे कि भाई हम लोग गूगल से कॉपीराइटेड फ्री जो इमेज है वो डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं। तो भाई बिल्कुल मैं कहूँगा, शुरुआत में मैं कह देता हूँ कि भाई आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा तभी आप यूज़ करिए। क्योंकि अगर आपको सेटिंग कर लीजिएगा फिर आपको जो भी इमेज आपको दिखाया जाएगा गूगल में वो कॉपीराइटेड फ्री होगा, और वहाँ से आप डाउनलोड करिए अपने वीडियो पर यूज़ करिए, वो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट भाई आपको एक चीज़ करना है, वो है आप वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाना है, और भाई कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर देना। और भाई मैं लास्ट में और एक मतलब आपको बताऊंगा कि आप कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक आप अपने वीडियो पर कहाँ से आप फ्री कॉपीराइटेड फ्री यूज़ कर सकते हैं, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो भाई चलो अभी पहले मैं मोबाइल की स्क्रीन पर बता देता हूँ कि आप गूगल से कैसे डाउनलोड कर सकते हो कॉपीराइट फ्री इमेज। तो भाई आपको क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपको सर्च करना है google.com, ठीक है ना। google.com सर्च करने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और फिर भाई यहाँ पर ऑल के बाद एक इमेज का ऑप्शन है, इमेज उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। एक नया इंटरफेस खुलेगा गूगल इमेज करके, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो 3 डॉट है इस पर क्लिक कर देना है, डेस्कटॉप साइट पर चले जाना है, ठीक है ना। तो आपको कुछ मोबाइल पर अगर आप कर रहे हो तो ऐसा ही है, लैपटॉप में तो कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइड में ही रहता है पहले से। तो भाई आपको यहाँ पर सर्च करना है जो आपको टॉपिक का वीडियो फोटो चाहिए। तो मैं यूट्यूब अवार्ड अभी मैं सर्च कर लेता हूँ ऐसे के लिए। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, मतलब ये यूट्यूब का पूरा ये आ गया अवार्ड्स का ये। तो भाई यहाँ पर अब आपको मैं थोड़ा आपको मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा एक सेटिंग के बाद यहाँ टूल्स है, ठीक ना। सेटिंग के बाद आपको एक टूल्स मिलेगा, तो आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। टूल्स वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ यहाँ पर अब मैं थोड़ा इसको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेंगे, साइज़ का, कलर का, टाइप का, टाइम का, यूज़र राइट्स का, ठीक ना। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको 3 ऑप्शन है, ऑल का है, और इस सबको आपको उस सबसे मतलब नहीं है, आपको सेकेंड वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सब जो फोटो आएगा आप ये आराम से यहाँ डाउनलोड करिए, यूज़ करिए। बट भाई एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि भाई आपको इसमें किसी का लोगो तो नहीं है, मतलब कि कोई अपना लोगो लगा के नहीं रखा है। मतलब बहुत सारा कंपनी अपना लोगो लगा के रखता है, तो वो देख लीजिएगा, लोगो नहीं लगा हुआ तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर लोगो लगा हुआ है तो फिर मत यूज़ करना, फिर कॉपीराइटेड फ्री है, बट बहुत बार स्ट्राइक दे देता है कोई अपना उसका, तो भाई चेक कर लेना, ठीक। तो भाई आपने गूगल में देख ही लिया कि आपको कौन सा सेटिंग करना है, उसके बाद आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप आसानी से डाउनलोड करके यूज़ करो। अब भाई अब मैं बता देता हूँ कि आप कॉपीराइटेड फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से ले सकते हो। तो भाई ये वाला वीडियो आप देख लो, आप यहाँ पर क्लिक करिए, आप देख लीजिए। और भाई यहाँ पर आपको मैंने 3 तरीका बताया, आप 3 तरीका में से कोई जो आपको पसंद आए वो यूज़ करिए। अब भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, थैंक यू, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।